पामगढ़ में चैतन्य कॉलेज के पास बीओ कार्यालय के सामने अवैध कॉम्प्लेक्स निर्माण कराकर औने पौने दामों में बेचकर शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला सरपंच तेरस यादव को उसके पद से हटा दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में JCCJ पामगढ़ ने शिकायत की थी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच उपरांत शिकायत सही पाए जाने पर धारा 40 के तहत पामगढ़ के सरपंच तेरस यादव को सरपंच पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया गया। ग्रामीण भारत टीवी के लिए जांजगीर चांपा से केशव सोनी की रिपोर्ट। बीओ कार्यालय के सामने सरपंच सचिव के द्वारा अवैध रूप से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करके अवैध रूप से उसका आवंटन किया गया था, इसकी शिकायत जो लिखी गई थी। शिकायत की जांच के उपरांत जो है सरपंच के ऊपर धारा 40 के तहत प्रकरण दर्ज करके उस पर कार्रवाई की गई, जाँच किया गया और सरपंच को अपने कर्तव्य के निर्वहन में अवसाद का दोषी पाया गया, जिसके कारण उसको आज जो है पद से हटा दिया गया। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।